यदि आपके घर में पीपल का पौधा उगता है या आपके घर के छत पर बराबर कौआ आकर के बैठता है, काँव काँव करता है, और आपके घर के अगल बगल में यदि कुत्ता रोता सुनाई पड़ जाए, तो आप समझिए कि हमारे घर में पितृ दोष है। यदि आपके घर का तुलसी का पौधा एक पैग सूख जाए, वह हरा भरा है लेकिन एक एकदम मर जाए, सूख जाए, और आपके घर में बेटे बेटियों के विवाह में अड़चन आ रहा हो, तो समझिए कि हमारे घर में पितृदोष है। तो पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए जैसे ही पितृपक्ष प्रारंभ होगा, आप पितरों को तर्पण निश्चित रूप से करें, और जलाशय या नदी यदि आपके बगल में हो तो नदी में बैठ करके अपने पितरों का नाम गोत्र का उच्चारण करें, और जल के साथ तिल मिलाएं और अपने पितरों का तर्पण करें। तर्पण करते समय कूस अवश्य धारण करें, कूस और गंगा की मिट्टी निश्चित रूप से धारण करके आप पितरों का तर्पण करें, आपको पितृदोष से निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी।